दोस्तों, रेलवे के हादसों की कड़ी में दिनांक 15 अप्रैल 2022 को एक नया हादसा देखने आया जो काफी दुखद है। जब दादर पुडुचेरी चालुक्य एक्सप्रेस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गदग एक्सप्रेस में दादर से डिपार्चर के टाइम साइड से भिड़ंत हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट तो नहीं आई, पर 60 ट्रेन कैंसिल जरूर हो गई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सर्विसेज भी काफी समय तक बाधित रही। अभी कुछ ही दिन पहले पवन एक्सप्रेस का हादसा देखने मिला था और फिर से एक महीने के भीतर एक और रेल हादसा सामने आ गया। क्या कोविड ने काफी गहरा असर छोड़ा है रेलवे ऑपरेशंस पर? कुछ तो ऐसा है जिसकी तरफ रेलवे को जरूर सोचना होगा। फिलहाल आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। गडग एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रात के 9:20 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कर्नाटक के गडग स्टेशन के लिए डिपार्ट होती है। अभी ट्रेन अपने पहले स्टॉपेज दादर स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दादर से पुडुचेरी के बीच चलने वाली चालुक्य एक्सप्रेस भी अपने समय रात के 9:30 पर दादर से डिपार्चर के लिए तैयार खड़ी थी। दोनों ही ट्रेन लगभग एक ही समय पर दादर से डिपार्ट होते हैं, जहां गडग एक्सप्रेस लगभग 9:33 पर डिपार्ट होती है, वहीं चालुक्य एक्सप्रेस लगभग 9:30 पर दादर से डिपार्ट होती है। समय हो रहा था रात के 9:35, चालुक्य एक्सप्रेस दादर से डिपार्ट हो चली थी। वहीं दूसरी तरफ गडग एक्सप्रेस भी दादर स्टेशन से डिपार्ट हो गई थी। 10 मिनट ही हुए थे, चालुक्य एक्सप्रेस बहुत धीमी रफ्तार से डिपार्ट हो रही थी। वहीं रेड सिग्नल होने के बावजूद गडग एक्सप्रेस के लोको पायलट्स ने ट्रेन को नहीं रोका और ट्रेन को आगे बढ़ाते रहे। बस फिर कुछ ही समय में गडग एक्सप्रेस का लोकोमोटिव सीधा जाके चालुक्य एक्सप्रेस के 8वें कोच को साइड से टक्कर मार देता है, जिस वजह से 8वें डिब्बे सहित 3 कोचेस डिरेल हो जाते हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि गडग एक्सप्रेस के लोको पायलट्स इस रूट के लिए नए थे और दादर स्टेशन का सिग्नलिंग भी बाकी स्टेशन से थोड़ा अलग है। आगे बढ़ने का सिग्नल था चालुक्य एक्सप्रेस के लिए, पर गडग एक्सप्रेस के लोको पायलट समझे कि ये सिग्नल उनके लिए है और ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। इस मामले में रेलवे क्या एक्शन लेती है, यह हम आपको फ्यूचर में जरूर बताएंगे। इसमें लोको पायलट से जो गलती हुई वो अनजाने में हुई थी, पर यहाँ मामला है हजारों लोग की जान का। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फैसला सामने आता है, पर कुछ तो ऐसा है जो रेलवे को ध्यान जरूर देना चाहिए। आए दिन आने वाले हादसों को देखते हुए रेल जर्नीज को लेकर लोगों के मन में संशय सा उठने लगा है। हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द होने वाले हादसों पर रेलवे रोक लगाए। जिस तरह जापान की हाई स्पीड ट्रेन सालों से बिना किसी हादसे के चल रही है, कुछ ऐसा ही हमारे देश में भी जरूर होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैं लेता हूँ इजाजत। जल्दी ही मिलूंगा अपनी किसी और नई वीडियो नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।